नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? अभी आप लोगों के लिए दो वैकेंसी एक जैसी, सिमिलर आपका सिलेबस सब कुछ लगभग सेम है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब आप लोग के दिमाग में ये चल रहा है कि इस समय में तैयारी किसकी करें। बहुत सारे बच्चों को इन वैकेंसीज के बारे में पता ही नहीं है। तो अगर आप चैनल पे नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो इस वीडियो में आप दोनों ही वैकेंसी, थंबनेल आपने देख लिया होगा, एक आपका KVS के JS से SSC की वैकेंसी है और दूसरा आपका ISRO से जो आपका असिस्टेंट और स्टेनो का पद आया है। दोनों ही क्लरिकल लेवल की पोस्ट है, दोनों में ही लगभग सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है और इसी को इस सेशन में हम लोग यहाँ पे समझेंगे इस पूरे ही वीडियो में। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारी जानकारी आपका, वो चाहे KVS का हो, वो चाहे ISRO का हो, वो A to Z सॉल्यूशन आपके फॉर्म फिलिंग से लेके और आपकी परीक्षा के अंतिम दिन नहीं, आपके सिलेक्शन तक हम टीम परीक्षा प्लस आपके साथ रहते हैं और आपके साथ रहेंगे सारी जानकारी के साथ। इसके बाद भी यदि आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो, लेकिन उम्मीद है कि इस सेशन के बाद आपका कोई भी डाउट रहेगा नहीं। तो आपने देख लिया होगा कि एक तरफ मैंने KVS का, केंद्रीय विद्यालय संगठन का SSC और JSC की पोस्ट की बात की है और दूसरी तरफ असिस्टेंट और स्टेनो की। ये ISRO में दोनों क्लरिकल लेवल के पोस्ट हैं, दोनों में ही सैलरी बहुत अच्छी है। फिर कंपैरिजन किस बात का है और जो क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा है कि हम किसकी तैयारी करें, तो हम सबसे पहले तो इनके पॉइंट्स को समझेंगे, क्या किसका सिलेबस है, दोनों को कंपेयर करेंगे, किस तैयारी, किस एग्जाम की तैयारी में कितना डिफरेंस और कितना कॉमन है, ये बात करेंगे। जैसे सिलेबस आसान है KVS JSC का, तो इसका सिलेबस थोड़ा सा टफ है। पद इसमें ज्यादा है, इसमें पद थोड़े से कम है। टाइपिंग इसमें मांगा है, इसमें टाइपिंग नहीं मांगा है। इसकी पोस्टिंग अच्छी होती है, इसकी पोस्टिंग में आपके जो जोन्स हैं, जो उनके हेड ऑफिस हैं, उन्हीं में जाके आपकी पोस्टिंग होगी। और रुतबा इसका ISRO का अच्छा है। तो इन सारी तमाम चीजों पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अल्टीमेटली आपकी एक ही रास्ते से दो मंजिल आप प्राप्त कर सकते हो और ये वीडियो जब आप अंत तक देख लोगे तो और भी बहुत अच्छे तरीके से चीजों को एनालाइज कर पाओगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले कि अगर हम KVS और यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस और कॉमन चीजें बताता हुआ चल रहा हूं। सबसे पहले मैं KVS की बात करूंगा, जिसमें SSC और JSC ये दो पोस्ट हैं जिसमें सबसे ज्यादा पद JSC में है और बच्चे फॉर्म भी अप्लाई सबसे ज्यादा JSC के लिए कर रहे हैं क्योंकि SSC में थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और अगर हम यहाँ पे ISRO की बात करें तो ISRO में, ISRO आप लोग जानते ही हो, यहाँ पे अपने आप में ही नाम बहुत बड़ा होता है और इसमें दो वैकेंसी है, एक आपका असिस्टेंट की है। हालांकि इसमें पद टोटल 6 हैं लेकिन दो प्रकार के हैं, एक आपका असिस्टेंट है और एक आपका स्टेनोटाइप में है। असिस्टेंट और जो आपका दूसरा पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनो एक कैटेगरी में है और असिस्टेंट वाला आपका दूसरे कैटेगरी में है, ये मान के चलिए, ठीक है। वैसे मैं असिस्टेंट की बात करूंगा और एक पर्सनल असिस्टेंट की बात करूंगा या फिर स्टेनो, ये दोनों एक प्रकार के हैं, दोनों की ही चर्चा करूंगा कैसे आपको यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें पद है लगभग 1000 पद है दोनों को मिला लिया जाए, और इसमें देख लिया जाए तो इसमें लगभग 550 पद है अगर सारे पोस्टों को मिला लिया जाए तो। जस्ट इसकी हाफ वैकेंसी है, लेकिन अगर हम सैलरी की बात करें तो ISRO में बहुत अच्छी सैलरी है, सीधा बोल दिए 25,500 बेसिक पे से लेके उसके बाद उनमें अलाउंसेस, सबसे बड़ी बात है कि ISRO में अलाउंसेस बहुत ज्यादा मिलते हैं। नो डाउट कि KVS में भी अलाउंसेस हैं, लेकिन उतना नहीं है जितना आपका ISRO में है। तो सैलरी थोड़ी सी इसकी ज्यादा है ISRO की बात किया जाए और SSC जैसे की बात किया जाए। हालांकि सैलरी, पोस्टिंग, ये सारी बात की बात आती है, सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है सिलेबस का। तो मैं आपको यहाँ पे एक मोटा मोटा समझाना चाहूंगा कि दोनों में क्या अंतर है। देखो, दोनों ही जो परीक्षाएं हैं वो कंप्यूटर के नॉलेज पे आधारित है, लेकिन इसमें भी आपका क्या पूछ रहा है, इसमें भी मैथ्स पूछ रहा है, इसमें भी आपका मैथ्स पूछ रहा है, और इसमें मैथ्स जो आपका पूछ रहा है ये 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें मैथ्स आपका पूछ रहा है 50 क्वेश्चन पूछ रहा है। ये मैं पहले असिस्टेंट वाले की बात कर रहा हूँ। पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनो का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें रीजनिंग क्या पूछ रहा है, रीजनिंग 20 पूछ रहा है, इसमें जो रीजनिंग पूछ रहा है इसमें रीजनिंग 50 क्वेश्चन पूछ रहा है, 50 नंबर का, 1/4 नेगेटिव है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इसमें इंग्लिश भी आपका 20 पूछ रहा है, इसमें जो इंग्लिश पूछ रहा है इसमें 50 पूछ रहा है, इसमें जो GS है, GS इसमें भी 20 पूछ रहा है और इसमें जो GS है वो 50 पूछ रहा है, लगभग बराबर बराबर है। अंतर कहां पे आता है, अंतर यहां पे आता है कि इसमें एक आपका कंप्यूटर भी पूछा जाएगा और एक आपका हिंदी भी पूछा जाएगा। ये दो विषय अलग अलग हैं जो 20-20 पूछे जाएंगे, यहां पे आपका कंप्यूटर और हिंदी नहीं पूछा जाएगा, कंप्यूटर और हिंदी नहीं पूछा जाएगा। ये दो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने से आप बच जाओगे, लेकिन हिंदी से तो बच जाओगे, कंप्यूटर से आप नहीं बचोगे, क्योंकि इसमें भी क्या है, इसका चरण आप जान लो कि इसमें भी क्या है, रिटन टेस्ट है,
एकदम ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ। इसमें भी आपका क्या है, रिटन टेस्ट है। उसके बाद मतलब 120 क्वेश्चन का आपका रिटन टेस्ट है, नेगेटिव नहीं है इसमें। और इसमें क्या है, इसमें आपके 200 क्वेश्चन है। ये भी 120 मिनट का पेपर होगा, ये भी आपका 120 मिनट का पेपर होगा। इसमें 1/4 निगेटिव होगी, इसमें निगेटिव नहीं है, नो निगेटिव इसमें निगेटिव नहीं है। ये आपको थोड़ा सा आसान बनाता है, 1/4 निगेटिव है इसलिए थोड़ा सा कठिन बनाता है। तो पहले रिटन होगा दोनों ही परीक्षाओं में, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। इसके स्किल टेस्ट में आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, दोनों में से कोई एक टाइपिंग आनी चाहिए, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, दोनों आना अनिवार्य नहीं है। कोई भी अगर आपको एक आता है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। और यहाँ पे भी आपका क्या है, रिटन एग्जाम है, उसके बाद स्किल है। लेकिन यहाँ पे स्किल में अगर मैं केवल असिस्टेंट पद की बात करूं तो स्किल में कोई टाइपिंग नहीं है। हालांकि अगर मैं पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनो की बात करूं तो इसमें आपका स्टेनो मांगा जाएगा, इसमें स्टेनो 60 वर्ड पर मिनट से मांगा जाएगा। और मैं इसके स्टेनो के एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, क्या डिटेल्स है उसकी। तो अगर आप इसरो की तैयारी कर रहे हो, स्टेनो की जानकारी जानना चाह रहे हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मैं आगे चल के लगा दूंगा। और अभी आप चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि वो जानकारी आप बहुत अच्छे से प्राप्त कर पाओ। तो दोनों का मॉड्यूल लगभग सेम है, लगभग क्वेश्चन सेम है, बस इसमें 200 क्वेश्चन है, इसमें क्या है 120 क्वेश्चन है। अगर यहीं पे हम स्टेनो और पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो उसमें भी जो इंग्लिश वाला पार्ट है, इंग्लिश वाला पार्ट ये 100 क्वेश्चन का हो गया है, बाकी मैथ्स और जीएस ये दोनों कंबाइन करके 50 क्वेश्चन कर दिया गया है। और रीजनिंग इसमें भी क्या है, 50 क्वेश्चन है, मतलब ये भी 200 क्वेश्चन का ही है, 120 मिनट का ही है। ये मैं स्टेनो और पर्सनल असिस्टेंट वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हो कि दोनों का क्या है, दोनों पैटर्न लगभग लगभग सेम है और सब्जेक्ट भी लगभग लगभग सेम है। इसका जो पैटर्न है देखा जाए, इसमें कम सब्जेक्ट पढ़ना है, इसमें ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन इसका सिलेबस थोड़ा सा लाइट है, इसका सिलेबस थोड़ा सा डीप है। जैसे मैथ में ही इसमें केवल अरिथमेटिक पूछ रहा है, इसमें आपका एडवांस भी पूछ रहा है, इसमें आपका ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सब पूछा जाएगा। रीजनिंग में इसमें थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन रीजनिंग दोनों का लगभग बराबर ही कंपेयर किया जाएगा, रीजनिंग में कोई अंतर नहीं है। इंग्लिश में भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे यहाँ पे। और जीएस में भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे बस। कन्वेंशनल जीएस इसमें भी पूछा जाएगा, कन्वेंशनल जीएस इसमें पूछा जाएगा। इसको पेपर कंडक्ट करवा रहा है सीबीएसई, सीबीएसई पेपर कंडक्ट करवाता है तो कॉन्सेप्चुअल बनाता है। इसका पेपर इसरो खुद बनाएगा, कोई एजेंसी नहीं दिया गया है। अगर आप फॉर्म भरोगे तो आप खुद देखोगे कि क्या है कि इसका जो फॉर्म हो रहा है वो इसरो की वेबसाइट पे भरा जा रहा है, उन्होंने खुद ही अपना पूरा फॉर्म बनाया हुआ है, वो पेपर भी अपना खुद बनाएंगे, खुद ही कंडक्ट कराएंगे। लेकिन इनमें कुछ मेरिट और डिमेरिट बस इतना है कि सिलेबस इसका थोड़ा सा लाइट है, इसका सिलेबस थोड़ा सा केवल मैथ की बात किया जाए, बाकी इसमें दो पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है कंप्यूटर हिंदी, इसमें कंप्यूटर हिंदी भी आपको पढ़ना है जो केवीएस की बात कर रहे हैं, जेएससी और एसएससी की बात कर रहे हैं। तो अगर सिलेबस पे दोनों को कंपेयर किया जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग आपकी एक ही पढ़ाई पे। मैथ आप अगर इतना पढ़ लोगे तो ये आपका कवर हो जाएगा, रीजनिंग ये पढ़ लोगे तो ये कवर हो जाएगा, इंग्लिश से पढ़ लोगे तो ये कवर हो जाएगा, जीएस से पढ़ लोगे तो यहां पे कवर हो जाएगा। मतलब ये चार पोर्शन दोनों में कॉमन ही पढ़ने, इसमें चार पांच चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना है, इसमें वही चार पांच चैप्टर मैथ्स में केवल नहीं पढ़ना है बस, बाकी लगभग बाकी चीजें सब में आपको सेम है। कंप्यूटर आपको यहां भी पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर आपको यहां भी पढ़ना पड़ेगा। कारण क्या है कि इसमें कंप्यूटर का एक सीपीटी करवाया जाएगा, केवीएस में क्या करवाया जाएगा, एक चरण स्किल टेस्ट में कंप्यूटर का सीपीटी करवाया जाएगा, सीपीटी प्लस टाइपिंग करवाया जाएगा। तो सीपीटी में क्या होगा, 50 क्वेश्चन का आपका कंप्यूटर का बोला जाएगा, उसमें वो अलग से दे दिया हुआ सिलेबस जिसमें ऑफिस और ऑफिस से ज्यादा पूछेगा, और फिर कुछ जो टॉपिक है वो इंटरनेट के भी पूछे जाएंगे, ज्यादा आपका ऑफिस से ही पूछा जाएगा, मतलब 50 क्वेश्चन। और यहाँ पे भी आपको कंप्यूटर का जो स्किल टेस्ट है, ये कंप्यूटर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे जो ये सीपीटी है ये एमसीक्यू बेस्ड होगा। क्या होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। क्या होगा, प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। और इसमें आपको बता दूं केवल तीन टॉपिक है, एक आपका एमएस वर्ड है, एक एमएस पावर पॉइंट है और एमएस एक्सेल है, केवल तीन पढ़ना है, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल 35-35 नंबर का होगा, और एमएस पावर पॉइंट जो है वो आपका 30 नंबर का होगा। तो 35-35, 70-30, 100, कहने का मतलब 100 मार्क्स का ये कितना होगा, 100 मार्क्स का होगा ये, आपको कंप्यूटर पे करवाया जाएगा ये आपसे। जैसे कि आप पेज इंसर्ट करो, आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर यहाँ पे बोल्ड करना है तो कैसे होगा, इटैलिक करना है तो कैसे होगा, अगर किसी एक्सेल में किसी रो को ऐड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये आपसे वहां पे प्रैक्टिकली करवाया जाएगा। ये आपका इसरो की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल नहीं होना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और आपका इंग्लिश या हिंदी में टाइपिंग करवाया जाएगा। लेकिन कंप्यूटर में ऑफिस पढ़ना यहाँ पे भी पड़ेगा, पढ़ना यहाँ पे भी पड़ेगा, बिना पढ़े बिना प्रैक्टिकल किए आप ना ये क्वालिफाई कर पाओगे ना ये क्वालिफाई कर पाओगे।
अच्छा, अच्छी बात यह है, एक कंपैरिजन आप समझो, यहां पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, यहां पे आपकी मेरिट डायरेक्ट बनेगी, यहां पे आपको 50% लाना अनिवार्य है, जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 40% और जो अनरिजर्व्ड हैं उनको 50%, ईच पार्ट में 50-50% लेके आना है, मतलब 25-25-25-25 क्वेश्चन अनिवार्य है, नेगेटिव भी है तो थोड़ा सा इस पेपर को टफ बना देता है, ये जब सेक्शनल कट ऑफ होता है तो इसके पेपर को थोड़ा सा टफ बना देगा, जबकि ये पेपर देने में आसान है, नेगेटिव भी नहीं है, ये बात समझिएगा। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होगे तो ये ज्यादा आसान लगेगा, ये थोड़ा सा टफ लगेगा। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होना है, इसमें आपका 60% नंबर लाना जरूरी है, मतलब 100 मार्क्स का जो है, यहां पे आपको 100 मार्क्स में 60% लाना अनिवार्य है, वरना आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, यहां से फर्दर निकाल दिए जाओगे। इसमें जो रिटन टेस्ट पास करने के बाद स्किल टेस्ट में जाएंगे, 1:5 जाएंगे, इसमें भी लगभग 5 गुना ही बुलाया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जब स्टेनो की बात आती है तो स्टेनो में केवल 5 गुना बुलाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि सबको स्टेनो नहीं आती है, ये बात क्लियर करेगा। लेकिन इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर वैकेंसी खाली चली जाती है या नहीं पोस्ट भरे जाते हैं तो 1:5 के रेशियो में फर्दर बुला लिया जाएगा, मतलब वेटिंग लिस्ट भी यहां पे जारी होगी तो सीट वैकेंट नहीं होगी, अगर आप नीचे से भी नंबर आ जाएगा तो भी आपको बुला लिया जाएगा, इस कारण से आपका स्टेनो और पर्सनल असिस्टेंट वाला पद आपके लिए इसमें ज्यादा अच्छा हो गया, यहां पे ऐसा कोई पद नहीं है। तो ओवरऑल अगर सिलेबस और पैटर्न की बात करूं तो पेपर देने में केवीएस ज्यादा आसान है, लेकिन अगर हम पढ़ाई की बात करें तो ये ज्यादा आसान है, इसरो ज्यादा आसान है, ये आप समझते हुए चलो, तो दोनों को लगभग लगभग सेम बोलेंगे। रही बात हमने और क्या बात की है कि सैलरी किसकी अच्छी है, तो सैलरी नो डाउट इसरो की अच्छी है केवीएस के उस पे, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं, केवल 19-20 का फर्क है। पोस्टिंग केवीएस में पैन इंडिया कहीं भी हो सकता है, इसमें भी पैन इंडिया का ही स्कोप है, लेकिन उनके कुछ ही पर्टिकुलर, जैसे तिरुवनंतपुरम हो गया, बेंगलुरु हो गया, यहां सब श्री हरिकोटा हो गया, इसरो जहां जहां है वहां वहां पर केवल उनकी क्या होगी, पोस्टिंग होगी। इसमें आपको असम से लेके असम, नागालैंड, तिरुवनंतपुरम, कहीं भी भारत के किसी भी कोने में, वो चाहे रिमोट एरिया हो या कहीं भी हो, जहां पे भी केवीएस है कहीं पे भी आपको भेजा जा सकता है। तो पोस्टिंग भी लगभग सेम सेम है, इसमें टाइपिंग है, इसमें टाइपिंग नहीं है, यहां पे आप बच जाते हो, कोई टाइपिंग आना अनिवार्य नहीं है। तो ये एक बेसिक सा आपको जो मैं बता दिया हूं, यहां से आप थोड़ा सा कर सकते हो। अगर आप मेरी राय लेना चाहो कि सर क्या करना करें, किसकी तैयारी करें, तो मैं बोलूंगा देखो बच्चों, दोनों की ही तैयारी आपकी एक मेहनत में होनी है। एक मेहनत मतलब मंजिल आपके पास दो हो गई है, मेहनत आपके पास केवल एक है, आपको पढ़ना वही है, और आपके दोनों के पेपर बैक टू बैक पढ़ेंगे, आगे पीछे पढ़ेंगे, कोई बहुत ज्यादा टाइम गैप भी नहीं आएगा, तो एक ही तैयारी में आपके दो पेपर हो जाने हैं। हालांकि केवीएस का फॉर्म थोड़ा महंगा है, इसका फॉर्म जो महंगा है, इसके फॉर्म क्या है, सस्ते हैं, 100 रुपए का फॉर्म है। यहां पे भी आप मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, यहां पे आप भी क्या मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि सपोज कहिए कि आपने असिस्टेंट पद के लिए किया है, तो एक बार में असिस्टेंट पद के लिए जैसे श्रीहरिकोटा में करोगे तो श्रीहरिकोटा में ही, अहमदाबाद में करोगे तो अहमदाबाद में, मतलब ऐसा नहीं कि आप असिस्टेंट के लिए अहमदाबाद से भी बोल दो, श्रीहरिकोटा से बोल दो, दोनों नहीं होगा, एक ही भरोगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अहमदाबाद से मान लो असिस्टेंट का भर दो, और श्रीहरिकोटा से मान लो स्टेनो भर दो या पर्सनल असिस्टेंट भर दो, अलग अलग में वहां पे भर सकते हो, हालांकि एग्जाम सेंटर आप कॉमनली चूज करोगे, एक ही होगा। इसमें अच्छी बात यह है कि जब भी स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे तो आपको थर्ड एसी सेकंड एसी का किराया भी देंगे, लेकिन रिटन टेस्ट के लिए नहीं देंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इसरो आपको काफी सारी सुविधाएं तो दी हैं, यहीं से आप समझ सकते हो कि जब आपके स्किल टेस्ट कराने के लिए भी आपका टिकट का पैसा दे रही है, आपको ट्रेवलिंग अलाउंस दे रही है, तो उसके पास अलाउंसेज ज्यादा होते हैं, सैलरी ज्यादा हो जाती है, और सबसे बड़ी बात है कि आप इसरो में काम कर रहे हो, भौकाल बन जाता है, मतलब आप भले ही क्लरिकल पोस्ट पे हो, लोग आपको साइंटिस्ट समझेंगे, इज्जत होगी समाज में बहुत ज्यादा होगा। आप केबीएस में जॉब करोगे तो आप भले ही क्लरिकल पोस्ट में होंगे, लेकिन लोग आपको अध्यापक समझेंगे, प्राइमरी का टीचर समझेंगे, अंतर केवल इतना है। फिर भी हम किसी पोस्ट को किसी जॉब को ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो एक सामाजिक नजरिया है उसके भी यहां पे मैं बोल रहा हूं कि रुतबा वाइज ये पोस्ट ज्यादा अच्छी है, रुतबा वाइज ये वाली पोस्ट थोड़ी सी 19 हो जाएगी, बट ये भले ही फॉर्म ज्यादा है और आपको जब एक ही फॉर्म में, क्योंकि अगर आप कैटेगरी के हो तो समझ लो आपने इसी का ही फॉर्म भरा है, इसका तो आपने पैसा दिया नहीं, और अगर आप अनरिजर्व्ड हो तो भी 100 रुपया कोई बहुत ज्यादा नहीं है, जहां पे आप 1500 रुपए दे रहे हो, 100 रुपया और आप दे दो, समझ लो 1600 को फॉर्म भरे हो, 1600 में सपोज करो आप 4-5 पदों के लिए तैयारी करो, और अल्टीमेटली आपके लिए दोनों बहुत बेहतर है।
तो जब बात आती है कि हम तैयारी कहां से करें, तो तैयारी दोनों करो, अच्छे से करो, मन लगा के करो। कहां से करो, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। टीम परीक्षा प्लस बहुत ही मिनिमम फीस में बहुत ही अच्छा लेके आती है। जेएससी का देखोगे तो ये 699 का है, इस पर भी ऑफर चल रहा था पहले, लेकिन अब ये ऑफर समाप्त हो गया है। वो ऑफर अभी इस पर चल रहा है 499 वाला, ये भी 2-3 दिन में ऑफर समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाह रहे हो तो दोनों ही बैचेस से जुड़े रहो। दोनों ही बैचेस बच्चों हम लगभग एक ही जैसा चलाएंगे। इसका थोड़ा सा जैसे मैथ इसमें ज्यादा अच्छी है तो मैथ इसमें ज्यादा अच्छी पढ़ाई जाएगी, इसमें केवल इसके सिलेबस की सबसे पढ़ाई जाएगी। कहने का मतलब केवल अरिथमेटिक और नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा, इसमें अरिथमेटिक नंबर सिस्टम और एडवांस पोर्शन भी पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश इसकी लगभग कंपेरेबल रहेगी, इसमें हिंदी है, इसमें हिंदी नहीं पढ़ाया जाएगा। जीएस इसका लगभग कंपेरेबल रहेगा, नोट्स भी लगभग आपके सेम रहेंगे। क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस होंगी, उसी का रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आप कई बार कभी भी देख सकते हो। स्टडी मटेरियल आपको सारे ही जो नोट्स होते हैं वो प्रिंट क्वालिटी के मिलते हैं, मतलब आपसे प्रिंट करवा सकते हो, पीडीएफ में मिलेगा, लेकिन पूरी बुकलेट होगी, ई बुक टाइप में होगा। टेस्ट सीरीज आपको इसमें दिया जाएगा, डाउट सेशन जूम मीटिंग या फिर हम लोग गूगल मीट के थ्रू आपका डाउट सेशन करवाते हैं, और इसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम के डेट तक रहती है। इस जैसे ही अगर आपका एग्जाम 4 साल बाद होगा तो 4 साल तक आप वही कोर्स एक्सेस कर पाओगे, 1 महीने बाद हो जाएगा तो 1 ही महीने एक्सेस कर पाओगे। बस ये है, वैलिडिटी टिल एग्जाम होती है, 1 साल की नहीं होती है, मैं आपको बता रहा हूं। बट इतना मैं आपको एश्योर करा रहा हूं कि इतने कम फीस में इतनी जबरदस्त जो आपकी फैकल्टीज है सभी लोग सेलेक्टेड, कहीं ना कहीं अपने अनुभव के साथ, अपने तमाम ज्ञान के साथ आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। ऑलरेडी जैसा कि बैच पहले चल रहा था 500+ स्टूडेंट अभी तक मुश्किल से 5-7 दिन में एनरोल्ड हो चुके हैं। आप भी अगर करना चाह रहे हो तो मैं आपको इतना सुझाव दूंगा कि एक बार आप यहां पे जुड़ते हो तो आपकी सारी चिंताएं कैसे लेके चलना है, किस प्रकार करना है, वो सारी चीजें टीम परीक्षा प्लस आपको बताएगी। मैं आपके साथ हूं, बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी करवाएंगे। हालांकि ये मैंने केवल एक आपको ऑप्शन दिया है, स्वैच्छिक है, आप चाहो तो जुड़ो, आप ना जुड़ो, आप जहां से भी जुड़े हो आप वहां से भी तैयारी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको बस इतना समझा रहा हूं कि हां, टीम परीक्षा प्लस आपके लिए दिन रात मेहनत करने के लिए प्रतिबद्ध है और आपकी सफलता के लिए आपको अग्रसर कराती ही रहेगी। बाकी इसमें जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, उसका एक एक चीज का रिप्लाई दे दूंगा। मैं इतना बोलूंगा कि बहुत अच्छा अवसर आपके सामने है, एक ही तैयारी में एक तीर दो निशाना है आपके सामने, और अच्छे से आप उसे तैयारी करिए। दोनों में ही लगभग सेम चीज है, और अगर इसरो में हो जाता है तो भी बहुत बढ़िया, केवीएस में हो जाता है तो भी बहुत बढ़िया, और आपकी तैयारी टॉप लेवल की हो गई तो एक ना एक जगह तो हो जाएगा, और हो सकता है दोनों जगह हो जाए, कि वो समय आए कि आप चूज करो कि किस में, इसरो में हम जॉब करें या फिर केवीएस में जॉब करें, तो फिर वो और भी अच्छा दिन होगा। मैं चाहूंगा वो दिन आपके सामने आए। टीम परीक्षा प्लस इसमें पूर्ण रूप से मदद करेगी आपकी, उसके लिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। बाकी इसमें जो इसकी डिटेल्स है वो आपको मैं दे दूंगा। इसके डिटेल्स में आप FAQ में जाके, आप परीक्षा प्लस चैनल पे जाओगे, KVS की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारी चीजें यहां पे मिल जाएंगी, सारी डिटेल। इसकी डिटेल्स आपको लेने हैं तो परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये कोर्स आप कहां से ले सकते हो, सारी जानकारी मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पे आपको कोर्स मिल जाएगा, और कोर्स में मैंने इसका सिलेबस वगैरह, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है, ये सारी चीजें मैंने आपको परीक्षा प्लस ऐप पे दे दिया है। दोनों ही कोर्स का आप प्राप्त कर लोगे। यहां पे तो क्लासेस भी चालू हो गई हैं, यहां की क्लासेस जल्दी ही चालू हो जाएंगी, और सब कुछ आपको बहुत प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। दोनों ही कोर्स की फीस अभी ऑफर में चल रही है, बाद में ये 2000 हो जाएगा और ये 3000 हो जाएगा। फीस आप देख सकते हो दोनों का लगभग सेम है, इसमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत है इस कारण से 3000, इसमें थोड़ी सी कम मेहनत है इस कारण से 2000, बट फिर भी अभी ऑफर में आपको 699 499 मिल रहा है। इससे सस्ता शायद आपको बहुत कम या ना ही मिले, मुझे तो लगता है कहीं नहीं मिलेगा। बट ये मैं बोल रहा हूं कि सस्ता मिले ना मिले ये एक अलग बात है, बट जितना क्वालिटी हम आपको दे देंगे वो क्वालिटी कोई नहीं दे पाएगा, इस बात की भी गारंटी ले रहे हैं। हालांकि इसकी मैंने स्ट्रेटजी पोस्ट कर दी है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, आपके केवीएस की स्ट्रेटजी, आप यहाँ केवीएस जैसे की बात कर रहा हूँ, इसकी स्ट्रेटजी की वीडियो आप पढ़िए, वहां से देख सकते हो, मैं उसकी लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, और इसरो की स्ट्रेटजी में अलग से आपको पोस्ट कर दूंगा। इसके फॉर्म फिलिंग चालू है, इसके भी फॉर्म फिलिंग चालू है, इसका आपका 5 दिसंबर से ही 26 तक चालू है, और इसका आपका कल से 20 से ही चालू हो गया है फॉर्म फिलिंग इसरो का, और ये आपका 9 जनवरी तक, तो 9 जनवरी और 26 दिसंबर लास्ट डेट, इस बात को ना भूलिएगा। फिर भी लास्ट डेट के लिए रुकिए मत, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आज के लिए इस सेशन में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का।